हमजा कहाँ चला गया डांट खाकर। नहीं, ये गलत है, ये नहीं। लेकिन सच जानने के लिए तो करना पड़ेगा। चाचू कहाँ थी तुम? इतनी देर से बज रहा था फोन। मैंने कहा मैं देख लेता हूं, कोई इमरजेंसी ना हो। फरी कर रही होगी बार बार, उसे ही चैन नहीं है। थैंक यू चाचू। इसमें तो कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है। चाचू के कान बज रहे थे। कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब आ गए हो ना, जो कुछ कहना कह लो। वैसे भी फोन पे तुम्हें कौन सा मजा आना था? अब बैठा हूं तुम्हारे सामने, जो कुछ रह गया वो भी सुना दो। सॉरी हमजा, मैंने जल्दबाजी में इतना सब कह दिया। मुझे लगा कि तुम मम्मी को। बात ये नहीं है जोया कि तुमने अपनी अम्मी की साइड ली और मेरी नहीं। मैं समझ सकता हूँ माँ है वो तुम्हारी, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए तुमने अब्बा और दादाजी के बारे में इतना कुछ कह दिया, जबकि तुमने देखा दादाजी बगैर सच जाने कैसे तुम्हारी साइड पर हो गए थे, मार रहे थे मुझे। बल्कि नहीं तो मारने गए थे, मारा तो नहीं। तुम्हें तो तब ठंड पड़ती ना जब मुझे मार पड़ती। अब हम इसी तरह एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे और ऐसी सॉरी कहते रहेंगे किसी तीसरे की वजह से, कभी तुम्हारी अम्मी की वजह से, कभी मेरे अब्बू की वजह से, क्योंकि हमारी तो अब कोई जिंदगी रही नहीं। जोया मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हो चुका हूं यार मायूस। अब जोया गौर से मेरी बात सुन, हमारा यहां से चले जाना ही सबके हक में बेहतर है यार। देखो हमजा, मैं मानती हूँ कि अम्मी से तुम्हारे सारे गिले जायज हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें और वो वादा तोड़ दें जिस पर ये शादी हुई थी। और अगर ये सब हमारी लाइफ के लिए इतना जरूरी है, तो फिर मैं अकेले क्यों छोड़ूं अपना मैका? तुम भी छोड़ दो सबको, क्योंकि वो सब भी मेरी हर बात में उतना ही दखल देते हैं। क्या बेकार की जिद है तुम्हारी? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने मैके से अलग रहो, तो बदले में तुम मुझे मेरे घर वालों से अलग कर रही हो। हमजा ये ना बदला है ना जिद, मेरे पास भी वही वजह है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे चाचू ने आज हद कर दी, मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में आके मेरा फोन चेक कर रहे थे। पागल हो गई हो तुम, वो क्यों करेंगे ऐसा? ये तुम उनसे पूछो हमजा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है कि अम्मी तुम्हारी जासूसी करवाती हैं, तो मुझे भी गुस्सा आना चाहिए जब चाचू इस तरह खुद मेरी जासूसी करते हैं। मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे थे वो? जानना क्या चाहते हैं?